नमस्कार सभी का प्रयास ऑनलाइन एजु हब पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में अति महत्वपूर्ण विषय वस्तु हिंदी साहित्य के इतिहास पर। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सिलेबस अपने यहाँ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य के इतिहास को कुछ पार्टों में बांटा गया है, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा और काल विभाजन एक अलग टॉपिक रह जाएगा। फिर अलग अलग कालखंडों में विशेष रचनाएं अपने को दी गई हैं, अलग अलग कालखंडों की विशेषताएं क्या क्या हैं, उनके प्रतिनिधि कवि कौन कौन से हैं, प्रसिद्ध कवि कौन कौन से हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं अत्यधिक प्रसिद्ध हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो अभी अपन ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, यहां पर अपने सामने दो शब्द निकल करके आ रहे हैं। एक शब्द तो है इतिहास और एक शब्द है साहित्य। सबसे पहले अपन इतिहास शब्द की चर्चा करें तो इतिहास शब्द की जो रचना हुई है वो हुई है इति जोड़ है जोड़ अस जोड़ ए के योग से। इति जोड़ है जोड़ अस जोड़ ए के योग से इतिहास शब्द बना है। इसमें इति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समाप्त। इति का शाब्दिक अर्थ हो गया समाप्त। है का अर्थ होता है निश्चित। और अस का अर्थ होता है होना। अर्थात ऐसा ग्रंथ या ऐसी घटना जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी हो उसे ही हम इतिहास कहते हैं। ऐसी घटना या कोई भी वृतांत जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को परिभाषित करने से पहले अपन देखें इतिहास का अर्थ क्या होता है। तो शब्दकोश में इतिहास का शाब्दिक अर्थ जो अपने को देखने को मिलता है, शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत आता है, शाब्दिक अर्थ जो है इतिहास का वो निकल कर आता है दो अर्थों में। ये ग्रहण किया जाता है ऐसा ही था, ऐसा ही था, या फिर ऐसा ही हुआ होगा। कोई भी ऐतिहासिक ग्रंथ अपन पढ़ते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें कोई भी घटनाक्रम अपन देखते हैं तो अपने पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो तथ्य अपने को लिखित रूप में ही प्राप्त होते हैं। तो उसी लिखित घटनाक्रम को देखकर अपन अपने मन में ये अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि उसका लिखित प्रमाण के अलावा और कोई प्रमाण अपने पास नहीं है। इसलिए शाब्दिक अर्थ अगर अपन इतिहास शब्द का देखते हैं तो वो क्या निकल करके आता है, ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा। अब इतिहास की परिभाषा अगर हम देखें तो इतिहास की परिभाषा देते हुए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं इतिहास की प्रस्तुत करी है। कार्लाइल नाम के एक विद्वान हुए, इन्होंने इतिहास के बारे में लिखा है कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से
दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। एक सिद्धांत अपने को 19वीं शताब्दी के आरंभ में मिलता है। डार्विन विद्वान हुए हैं। डार्विन का एक विकासवादी सिद्धांत आता है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सृष्टि का कोई भी अंग या तत्व एकाएक घटित न होकर एकाएक घटित न होकर क्रमशः विकसित माना जाता है। कि कोई भी घटना पृथ्वी पर घटित होती है या फिर कोई भी तथ्य उपस्थित होता है वो एकाएक घटित नहीं होता, धीरे धीरे उसके विकास का क्रम होता है और उसी विकास का जो क्रम है उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहकर पुकारते हैं। आगे देखें, महाभारत में वेदव्यास ने लिखा है, महर्षि वेदव्यास ने इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखा, महर्षि वेदव्यास क्या लिखते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षानाम उपदेशम समन्वित है, पूर्व वृत्त कथा युक्तिम इतिहासम प्रचक्षते। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, इन्होंने देखो सबसे पहले चारों पुरुषार्थ लिखे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के उपदेश इन चारों पुरुषार्थों के उपदेश एवं पूर्व में घटित घटनाओं का समावेश जिस ग्रंथ में होता है, जिस ग्रंथ में होता है
वह इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो इतिहास के संदर्भ में अगर अपन देखते हैं तो इतिहास शब्द मूलतः इति जोड़ है जोड़ अस जोड़ ऐ के योग से बना है, जिसमें इति का अर्थ होता है समाप्त, है का अर्थ होता है निश्चित, अस का अर्थ होता है होना, अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो जाती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। शाब्दिक अर्थ अगर अपन इतिहास का देखें तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ दो अर्थ मिलते हैं, ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा। अब इतिहास की परिभाषाएं अगर अपन देखें तो सर्वप्रथम इतिहास को परिभाषित करते हुए मान लो कार्लाइल ने लिखा है, क्या लिखा कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान करता है। 19वीं शताब्दी में विकासवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया प्रोफेसर डार्विन ने, उन्होंने कहा है कि सृष्टि का कोई भी अंग या तत्व एकाएक घटित या विकसित नहीं हुआ है, वो क्रम से विकसित माना जाता है। तो ये विकास की जो क्रम है उस क्रम को ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और उसके बाद महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षानाम उपदेशम समन्वितः पूर्ववृत्त कथा युक्तिम इतिहासम प्रचक्षते, अर्थार्थ ऐसा ग्रंथ जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के उपदेशों का समावेश हो तथा साथ ही पूर्ववृत्त कथा पूर्व में घटित हो चुकी घटनाओं से युक्त जो होता है वही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब बात करें अपन किसकी, साहित्य की। साहित्य, तो साहित्य हम किसे कहें, साहित्य देखो से जोड़ हित जोड़ ये के योग से बना है। साहित्य शब्द से जोड़ हित जोड़ ये के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है मिश्रण। मतलब व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है। यह परिभाषा किसके अकॉर्डिंग मान्य है, शब्दकोश के अनुसार। शब्दकोश में अगर अपन देखते हैं तो शब्दकोश में साहित्य की परिभाषा इसी प्रकार प्राप्त होती है कि ऐसा ग्रंथ जिसमें व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। साहित्य की परिभाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, प्रत्येक देश का साहित्य जो है वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। इन चित्तवृत्तियों में समय के साथ साथ परिवर्तन आता जाता है और लाजमी है कि जब समाज की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन आएगा तो साहित्य की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन अपने आप आ जाता है। इन्होंने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये कहते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का जनता की चित्तवृत्तियों का संचित
प्रतिबिंब होता है। इन चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ इन चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी होता है। इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य के साथ उनका सामंजस्य करना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। मतलब साहित्य शब्द को परिभाषित किया उन्होंने, या साहित्य के इतिहास को परिभाषित किया, और साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य जो है वो वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। इन चित्तवृत्तियों में समय के साथ साथ परिवर्तन आता जाता है, और इसी परिवर्तन की परंपरा को परखते हुए जब चित्तवृत्तियों में परिवर्तन आएगा तो साहित्य में भी परिवर्तन आएगा। इस प्रकार इन चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य के साथ उनका सामंजस्य करवा दिया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, साहित्य का इतिहास कहा जाता है। अगला अपन देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा है कि साहित्य का इतिहास साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिवृत्तियों एवं संवेदनाओं का इतिहास है।
एवं चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है अब अपन देखो साहित्य शब्द किसके अकॉर्डिंग आता है साहित्य शब्द जो है वो सह जोड़ हित जोड़ य के योग से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण शब्दकोश के अनुसार इसकी अगर परिभाषा देखते हैं तो व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी परिभाषा दी है और लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है इन चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता जाता है और इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य के साथ उनका सामंजस्य करवाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है यहाँ से अपने प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्येक देश की चित्तवृत्तियों का संचित प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है तो वो हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नगेंद्र के बारे में भी यहां पर प्रश्न पूछा हुआ है कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिव्यक्तियों एवं संवेदनाओं का इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक एवं चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है यह इतिहास की परिभाषा या साहित्य के इतिहास की यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है तो उत्तर हो जाएगा अपना डॉक्टर नगेंद्र अब अपन देखते हैं कि इतिहास की लेखन की जो परंपराएं हैं इतिहास लेखन की परंपराओं में कौन कौन सी परंपराएं हैं जो अपने यहाँ शामिल की जाती हैं इतिहास लेखन की कितनी विधियां हैं जिनसे इतिहास लिखा जा सकता है तो इतिहास लेखन की प्रमुख विधियों में से जो विधियां आती हैं उन्हें चार श्रेणियों में बांटा गया है कितनी श्रेणियां हैं चार श्रेणियां हैं इतिहास लेखन विधियां या पद्धति मोस्टली चार पद्धतियां अपने यहां शामिल है जिनमें अगर अपन देखें तो चार में कौन कौन सी आती हैं चार पद्धतियों में कौन कौन सी आती हैं सबसे पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति दूसरी है कालानुक्रम पद्धति तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति और चौथी है विधेयवादी पद्धति साहित्य का इतिहास लेखन की ये चार पद्धतियां मानी गई हैं इनमें से अगर हम देखें तो सबसे पहले आती है वर्णानुक्रम पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति जो है इसमें जो लेखक होता है इतिहासकार जो होता है वो कवियों एवं लेखकों को उनके नाम के वर्ण क्रमानुसार स्थान देता है मतलब वर्णमाला के वर्ण क्रमानुसार इसमें कवियों वह लेखकों को वर्णमाला के
वर्ण क्रमानुसार स्थान दिया जाता है। कालानुक्रम पद्धति को अगर अपन देखें तो इसमें कवियों या लेखकों को काल क्रमानुसार स्थान दिया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति जो है इसमें भी कवियों को काल क्रमानुसार स्थान दिया जाता है। इसमें कवियों को काल क्रमानुसार स्थान दिया जाता है तथा साथ ही पूर्णतः तटस्थ रहकर, पूर्णतः है तटस्थ मतलब निष्पक्ष होकर, तटस्थ रहकर तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। विधेयवादी पद्धति में भी कालक्रम के अनुसार स्थान दिया जाता है। कवियों को कालक्रमानुसार स्थान दिया जाता है। लेकिन साथ ही उनके भावगत व शिल्पगत विशेषताओं का भी प्रकट किया जाता है। तो ये चारों पद्धतियां आई अपने सामने। कवियों एवं लेखकों को केवल काल के वर्ण क्रमानुसार, मतलब कवि का नाम क्या है और वर्ण क्रम के अनुसार उसका स्थान कहाँ पर आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नाम स्थान दिया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वर्णानुक्रम पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति से काव्य लेखन करने वाले जो विद्वान माने जाते हैं वो गार साद तोसी, वह ठाकुर शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, गारसादे तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी रचना लिखी और शिव सिंह सेंगर की इतिहास रचना शिव सिंह सरोज है। इन दोनों में कवियों एवं लेखकों को उनके वर्ण क्रमानुसार स्थान दिया गया है। तो इन्होंने अपने इतिहास लेखन में कौन सी पद्धति को अपनाया? वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग मतलब कवियों एवं लेखकों को उनके काल क्रमानुसार स्थान दिया जाए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में ऐसा करने वाले विद्वान कौन माने जाते हैं? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उन दोनों में ही दोनों ने कौन सी पद्धति को अपनाया? कालानुक्रम पद्धति को अपनाया।
इसके अंतर्गत क्या होता है, कवियों एवं लेखकों को कालक्रमानुसार स्थान तो दिया जाता है लेकिन पूर्णतः निष्पक्ष एवं तटस्थ रहकर उनके तथ्यों का विश्लेषण भी किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति को अपनाने वाले विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त माने जाते हैं। इन दोनों ने इसी पद्धति से अपना लेखन कार्य किया है और कवियों को कालक्रम के स्थान के साथ साथ उनके भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं को ध्यान में रख करके उनका जब वर्गीकरण किया जाता है, मतलब कवियों का जो वर्गीकरण कालक्रम तो होता ही होता है लेकिन साथ ही साथ उनके भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं को ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण किया जाए, उसे ही क्या कहा जाता है, विधेयवादी पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति का प्रयोग करने वाले जो विद्वान माने जाते हैं वो माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो इस पद्धति से लेखन कार्य करने वाले विद्वान माने गए हैं। अब अपने से मान लो कोई पूछ ले कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है, तो ये विधेयवादी विधि जो है या विधेयवादी पद्धति जो है वो इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है क्योंकि इसमें उनकी भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं को प्रकटीकरण कर दिया जाता है। इस विधि का प्रतिपादन जो किया था तो इस विधि के प्रतिपादक जो माने जाते हैं वो हैं फ्रेंच विद्वान तेन महोदय, इनके द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया था। इन चार विधियों पद्धतियों के अलावा एक समाजशास्त्रीय पद्धति और मानी जाती है जिसमें समाज को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। मार्क्सवाद पर आधारित है, मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर आधारित विधि वो मानी जाती है जिसमें शोषित एवं शोषक इन दो वर्गों में समाज को बांटा जाता है और इन्हीं के आधार पर रचनाओं का वर्गीकरण करके उसे प्रस्तुत किया जाता है, वो समाजशास्त्रीय विधि मानी जाती है। लेकिन इस विधि का प्रयोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में कहीं पर किसी भी विद्वान के द्वारा किया गया नहीं है। तो काव्य लेखन के पद्धतियां अपन देख सकते हैं, पद्धतियों में से इनमें से प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी मानी जाती है, विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। इतिहासकार में गार्सिय दत्तासी ने किस पद्धति का प्रयोग किया, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। मिश्र बंधुओं ने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। हजारी प्रसाद गणपति चंद्रगुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। और ये जो विधेयवादी पद्धति है सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है, इसका प्रयोग किसने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। अब इतिहास से जो ग्रंथ हैं उनके बारे में अपन चर्चा परिचर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।